ग्वालियर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संबोधित किया। इस अवसर पर ग्वालियर सांसद विवेक सेजलकर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी, प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारासर भी मौजूद रहे। मेरा ये प्रयास अभी कुछ मुख्य बिंदुओं को लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव की दृष्टि से अभी मेरे नगर निगम जो क्षेत्र है उनके दौरे अभी मेरे चल रहे हैं, कुछ अभी बचे हैं। आज शायद नोवा हमारा नगर निगम का क्षेत्र है, वहां आज मेरा दौरा है, कल मुरैना जाऊंगा। तो इस प्रकार से अपने सभी नगर निगम क्षेत्रों में संगठन काम के सुदृढ़ीकरण को लेकर हमारा ये प्रयास है कि हमारा जो हम जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हम बूथ मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इस दौरे में मुख्य तौर पर बूथ का सशक्तिकरण का जो हमारा अभियान है, बूथ हमारा मजबूत बनेगा तो हम कोई भी चुनाव या किसी प्रकार के अभियान को ताकत के साथ हम मैदान में उतार सकते हैं। लेके आएंगे तो उस निमित्त भी जैसे मेरे प्रवास के दौरान मेरी अभी दो बैठकें हुई जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक हुई। ऐसे कार्यकर्ता जो अलग अलग जिम्मेदारियों पर कभी रहे हैं, सरकार में भी रहे हैं, संगठन में भी रहे हैं, तो एक लगभग 150 कार्यकर्ता ऐसे ग्वालियर के उनके साथ बैठक हुई। अभी हमारे जो बूथ के संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठक होगी। जो नगर निगम क्षेत्र के जितने बूथ हैं उनके बूथ के अध्यक्षों के साथ अभी एक सेशन हमारा पूरा होगा। बाद में मंडल अध्यक्ष हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के काम का एक की सेंटर है, तो मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। साथ में ही हमारे ऐसे लोग कि नगर निगम में हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया कि आगामी समय में हमारा जो घोषणा पत्र मेमोरेंडम होगा वो भारतीय जनता पार्टी जनता के सुझावों के आधार पर बनाएगी। इसलिए आज एक बैठक पहले यहां हो चुकी है, उमाशंकर जी आए थे, कौन आया था, विवेक जी ने ली है, हमारे माननीय सांसद जी और जो चुनाव की संचालन की समिति है अपने मध्य प्रदेश की, उसके आदरणीय सांसद जी हमारे विवेक जी उसके सदस्य हैं, तो आपने एक बैठक ली है। मैं भी आज अपने ग्वालियर के जो प्रमुख लोग हैं, अन्य भी क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे एक्सपर्ट, ऐसे लोग जिनके अपने अनुभव हैं, जो ग्वालियर के शहर के विकास के बारे में सोचते हैं, उन लोगों का आने वाले सुझाव हमने ईमेल आईडी और एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, हमने एक पत्रक भी शायद मैंने छपा ही नहीं छपा है, पत्रक छपा होगा तो उसको हम लोगों को देकर के उनसे सुझाव भी प्रत्यक्ष मांग रहे हैं कि आपके क्या सुझाव हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोचते हैं और भी लोग सोचते हैं, लेकिन उनके अपने सुझाव जो शहर के बारे में पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं, तो कोई अच्छा सुझाव उनका ऐसा हो सकता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो। तो उनके सुझावों के आधार पर हमारे 5 वर्ष का जो रणनीति है, हमारा जो घोषणा पत्र होगा वो हम तैयार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी नगर निगमों का रोड मैप तैयार किया है, उनकी बैठकें लगभग मुझे लगता है कि सभी नगर निगम में कुछ छुपे होंगे, बाकी सभी जगह उनके भी दौरे हो गए हैं। तो उस निमित्त सरकारी रोड मैप तैयार कर लिया, संगठन भी अपने उन लोगों के साथ सुझाव मांग करके हम अपना एक जनता के सुझाव के आधार पर अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे। एक हमने अभी नया प्रयोग अभी ये किया है कि पूरे ऐसे नौजवान साथी आज के समय में एक जो सोशल मीडिया एक शार्प वेपन बन गया है, और तथा कथित वामपंथी जो हमेशा देश के अंदर देश को बदनाम करने के लिए, देश के नेतृत्व को रोकने के लिए, देश के नेतृत्व के ऊपर किसी न किसी प्रकार की ऐसी चीजें उछालते रहते, उनका काम ही एक है कि देश को अस्थिर कैसे किया जाए, देश में वातावरण कैसे बिगड़ा है। तो ऐसे प्लानर जो देश के अंदर काम करने वाले, चाहे वो जेडी के अंदर होंगे, चाहे वो शाहीनबाग के अंदर होंगे, चाहे वो किसान आंदोलन में तथाकथित लोग इंटरव्यू होकर के
जिस प्रकार का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास देश के अंदर करते हैं, वो किसी भी आंदोलन में जाते हैं और एक्टिविस्ट बन जाते हैं, घेरा डाला और हमारे एक्टिविस्ट है। तो ऐसे आइडेंटिफाइड हो गए देश के अंदर लोग, तो सोशल मीडिया पर ऐसे लोग भी एक सार बेपन के तौर पर आज भारत की छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। तो इसकी चर्चा भी अपने नौजवानों के साथ जो 24 घंटे सार बेपन पर अवेलेबल रहते हैं। इस प्रकार के जो देशद्रोही ताकत है उनका जवाब सोशल मीडिया पर ही मिले, ऐसे हमारे नौजवान वो हमसे जुड़े भी हो सकते हैं, हमसे जुड़े हुए नहीं भी हो सकते। तो ऐसे नौजवानों के साथ भी मैं एक इंटरेक्शन करने का प्रयास सभी जगह पर कर रहा हूं। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के काम के सुदृढ़ीकरण के साथ आने वाले चुनाव, जिस प्रकार के भी कोई भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और अपने संगठन तंत्र के मजबूती के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, इसलिए जीतते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी इसलिए बना है। और लगातार यात्रा हमारी पूरे देश के अंदर जिस गति के साथ बढ़ रही है, तो अपने संगठन तंत्र की समीक्षा के साथ मजबूती को बनाए रखना। मध्य प्रदेश का संगठन तो बड़ा आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है, आज से नहीं सालों से, यहाँ अटल जी से लेकर के राजमाता जी और कुशवाहा ठाकरे, प्रणव खंडेलवाल, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी जैसे लोगों ने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। तो आज उस भारतीय जनता पार्टी को और ताकत देने का काम मध्य प्रदेश के अंदर हमारी अपनी भूमिका भी इसमें कुछ बने, तो ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दो बातों का उल्लेख करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल आजादी के अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो 75 सप्ताह पहले आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम से की है। मध्य प्रदेश के अंदर भी स्वर्ण स्मारक से माननीय मुख्यमंत्री जी थे, मैं भी था, और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने जहां जहां पर आजादी से जुड़े हुए ऐसे जो स्थान है, ऐसे जो संदर्भ है, उन सब पर कल एक प्रभावी तौर पर इस अभियान का शुभारंभ देश के अंदर हुआ है। और मैं तो ये कहता हूं कि आज का जो भारत है, तो हम सब लोग जो पैदा हुए हैं वो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र किरणों के बीच में हुए, फिर क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण ये भारत को आजादी मिली। तो आज की पीढ़ी को उन क्रांतिकारियों से लेकर के उन लोगों के बारे में आज बताना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनको याद दिलाने की जरूरत है कि भारत आज हम यहां बैठे हैं तो उनके पीछे कौन है। तो चाहे वो चंद्रशेखर आजाद होंगे, रानी लक्ष्मीबाई होंगी, राम प्रसाद बिश्नोई होंगे, तात्या टोपे होंगे, टंट्या भील होंगे, भीमा नायक होंगे, इनसे कितने कितने लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस से लेकर पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी श्रृंखला है। तो उस पर हम लोग सब कल इसकी शुरुआत हुई और बड़े प्रभावी तौर पर इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधियों ने इस पर काम करना अपना प्रारंभ किया है। एक और अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के आह्वान पर, वैक्सीनेशन देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा हो। भारत के प्रधानमंत्री हमें गर्व है, पूरे देश के अंदर एक इतिहास भारत के प्रधानमंत्री जी ने बनाया है कि 150 देशों को मेडिसिन उपलब्ध कराना ये सामान्य घटना नहीं है। 150 देशों को साथ में ही वैक्सीनेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का हम लोग जानते हैं कि वैज्ञानिकों को संबल देकर भारत बायोटेक से लेकर के सीरम के उन स्थानों पर संस्थानों में जाकर वैज्ञानिकों को संबल देने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया, तो आज हमें गर्व है कि उसके कारण से देश के वैज्ञानिकों ने दो स्वदेशी वैक्सीन बनाकर भारत ने दुनिया के अंदर इतिहास बनाया। और हमें गर्व है 47 कंट्रीज को भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत की सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध कराने का जो काम किया है ये सामान्य घटना नहीं है। हमने वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को चरितार्थ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर किया है।
2021 का महासंग्राम। नगरीय निकाय को लेकर प्रत्याशी आजमाएंगे अपनी किस्मत। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्षेत्रीय जनता करेगी तय। अगर आप भी बताना चाहते हैं अपने वार्ड का हाल तो हमसे इस नंबर पर संपर्क करें 9907824554।